वो सहर्ष प्रसन्नता के साथ विवेकी पुरुष को, श्रद्धावान को विद्या दान करते हैं। न सौभाग्ये न च दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। ये विद्याएं ऐसी हैं कि किसके मन में क्या प्रश्न है तुरंत और वह विराटता पैदा करती है। जो गुप्त था वो आपको दे दिया है। यद्यपि विश्वामित्र के द्वारा अनेक विद्याएं दी जाएंगी लेकिन ये आरंभ में ही विनय के कारण दे दी गई। जानते हो क्या हुआ, जैसे राम निकले महलों से विनयी हो गए, दास बन गए, दीन हो गए, सेवक बन गए, शिष्य बन गए, हाथ जोड़कर खड़े। विश्वामित्र ने कहा ये ब्रह्म है, परमात्मा है, ये स्वयं राम, लेकिन मुझे इसलिए विद्याएं देनी है कि मानुषी काया में है, ये अपनी विद्याओं का, अपनी शक्तियों का, अपनी विभूतियों का, अपने रामत्व भगवत्ता और ईश्वरत्व का प्रयोग नहीं करेंगे। ये विष्णु है, अगर ये विष्णु है और इन्होंने विष्णु शक्ति का प्रयोग किया तो रावण को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि रावण को वही मार सकता है जो मनुष्य हो। ये विष्णु बनकर रावण को नहीं मार सकते, ये मनुष्य बनकर ही रावण को मार सकते हैं और निशाचरों का नाश कर सकते हैं। एक मनुष्य में इनबिल्ट की जा रही है, प्रोग्रामिंग की जा रही है उनकी, और मनुष्य मन एक डिवाइस की तरह से है, उसकी नई एप्लीकेशंस तैयार की जा सकती हैं, उसमें हायर वर्जन क्रिएट किए जा सकते हैं, उसको उसके डिवाइस में वो सब, और उन विद्याओं को देख नहीं सकता, ये दिखेंगी नहीं, आप में रहेंगे। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय देती है, वो विनय ही पात्रता का विकास करती है, उसी से धर्म की वृद्धि होती है, उसी से सर्वस्व की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वाधनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम्। देवताओं को कदाचित मंत्र नहीं चाहिए, फल फूल निरांजन धूप दीप दक्षिणा प्रदक्षिणा नाना प्रकार के व्रत और कष्ट साध्य अनुष्ठान देवताओं को नहीं चाहिए, ये तो मंत्र विधान है। देवता जिससे रीझता है उसका नाम है विनय। अगर आपके पास विनय है, आपको झुकना आता है, आपको शीश नवाना आता है, हृदय पूर्वक आप में ऐसे एक संयम है तो सब प्राप्त हो जाता है। विश्वामित्र परिचय दे रहे हैं, ताड़िका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमत मारी चो राक्षस पुत्रो यस्या शक्र पराक्रम। रावण जैसी शक्तियां उसके पास हैं, वो मुहूर्त नहीं, एक पल में अनेक रूप बदलते हैं। धर्म का कार्य बाधित हो ये उसका लक्ष्य है, धरा धर्म से चलेगी, ये ब्रह्मांड संचालित होता है नियमों से, प्राण पवन आकाश धरती अग्नि जल वायु में कोई एक संयमन है, एक धरती में आकर्षण है गुरुत्व का, उसे तोड़ना चाहती है। आप ऊपर फल फेंके वो नीचे गिरेगा,
बड़े बावरे लोग हैं, कहते हैं न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन ने ऊपर गिरेगा फल नीचे आया ये आकर्षण बताया, गुरुत्वाकर्षण का उसने सिद्धांत दिया। थोड़ा करेक्ट कीजिए, न्यूटन ने सिद्धांत नहीं दिया, न्यूटन को अनुभव हुआ कि फल नीचे गिरता है, ये सिद्धांत तो पहले से है, ये न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, न्यूटन का अनुभव है, ये अनुभव है उसका, सिद्धांत नहीं है। तो को पूछना चाहेगा चाहती क्या थी ताड़े का, जिसके वध के लिए राम को लेकर आए, वो गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना चाहते थे, वो मानस में विकृति चाहते थे, मानवीय विकृति हो, मनुष्य में विकार पैदा हो, अनियंत्रित काम हो, स्त्रैण और पुरुष का भेद चला जाए, स्त्री स्त्री न रहे, पुरुष पुरुष न रहे, और संपूर्ण जैव जगत में एक असंतुलन पैदा हो जाए, स्वेराचार से होगा, ऐसा स्वतंत्रता से होगा, ऐसा मदोन्मत्त आचरण से होगा, ऐसा तब होगा जब हम माता पिता की आज्ञा न माने, उसे कहेंगे स्वेराचार, उसे कहेंगे उन्मुक्तता। बहुत बारीक बातें हैं, थोड़ा ध्यान चाहिए मुझे आपका, कि हमें आज्ञा नहीं पालन करनी है, और जीवन की वृद्धि जीवन का विकास आज्ञा से होता है। जब आपके मन, आपके मन में विकृति पैदा हो, वीर्य में विकृति पैदा हो, रज में, और एक ऐसी संतान आप पैदा करें जो अनियंत्रित हो, उन्मत्त हो, मदोन्मत्त हो, नियंत्रण में न हो, आप ऐसी संतानें पैदा करें जो अनियंत्रित रहेंगी, किसको नहीं मानेंगी, नियम को नहीं मानेंगी, प्राकृतिक नियमों को नहीं मानेंगे, तो ये नैसाचरी जाति के विस्तार के संकल्प थे कि इस पूरी धरती पर एक ऐसी संस्कृति पैदा की जाए जिसमें माता पिता की अवज्ञा हो, प्राकृतिक नियमों को चुनौती दी जाए कि हमें प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करनी है, उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, स्त्रियों में पुरुषत्व ज्यादा जग रहा है, पुरुषों में कहीं स्त्रैण जग रहा है, मैं नहीं लेना चाहता नाम, सब एक जैसे रहे, क्या मूर्खता इस देश में चल रही थी कि स्त्री स्त्री विवाह कर सकती है, पुरुष पुरुष विवाह कर सकते हैं, बहुत बड़ी व्याकुलता हुई, साधु संत महात्मा पूरे देश भर के लोग लगे जगे, हम जैसे लोगों ने उच्चतम न्यायालयों तक अपनी बातें पहुंचाई, कि कहना क्या चाहते हैं आप, कि ऊंट ऊंट से शादी करेगा, हाथी हाथी से करेगा, बकरी बकरी से कर ले, कहना क्या चाहते हो, पेड़ से विवाह होगा, हाथी का हथनी से होगा, बकरे का बकरी से होगा, बकरे बकरे का नहीं, संतान कैसे पैदा करोगे, नहीं अनियंत्रित रहे, आनंद लेना है, जॉय चाहिए, प्लेजर चाहिए, मैं ज्यादा नहीं खुलकर बोल रहा, ताड़े का यही चाहते थे, प्राकृतिक अवहेलनाएं हो, अनियंत्रित हो, शुक्र में दोष हो, वीर्य में दोष हो, विकृति पैदा हो, हम जैसा रूप धारण करके वैसा ही भोग करें, अनियंत्रित भोग करें, नहीं नहीं हमारी संस्कृति भोग की नहीं है, उपयोग की संस्कृति है, सदुपयोग की संस्कृति है।